नेशनल कांग्रेस का और कांग्रेस का अलायंस हुआ है। सुबह के अंदर आज सुबह भी मैंने साथ में साथ के वो पॉइंट लगाए हैं जहां जहां हमने मीटिंग करनी है। हमने ऑलरेडी पहले लोगों को बता दिया है जैसे हमें हुक्म होगा वो हम डेट के मुताबिक करेंगे। लेकिन सर हमें एक तो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग जो है उन कांग्रेस के कल मेरे को टेलीफोन आया था जो अनुभव में है वो कोई काम नहीं कर रहा है। ना हमने आपका चेहरा झंडा देखा है ना कोई लोग प्रचार करने के लिए निकले हैं। पर हमने नेशनल कांग्रेस के जो लोग हैं दो चार महीने के लिए कांग्रेस ने चार सीटें जो है वो नेशनल कांग्रेस को दी है और दो सीटों पे कांग्रेस ने यहां पे हमारी मदद मांगी। लीडरशिप का फैसला है। हम सब लोग फारूक साहब और उमर साहब की रहनुमाई में काम करते हैं चाहे वो सूबाई सदर हो चाहे मेरा एक डेलीगेट हो चाहे मेरा एक कारकुन हो चाहे वर्कर हो वो उमर साहब और फारूक साहब की हिदायत पर काम करते हैं। उनकी हिदायत पर ही आज हम आपके पास इससे पहले भी आए थे आज भी आए हैं कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा किया गया है महाराजा हमारे डॉक्टर करण सिंह जी के बेटे युवराज विक्रमादित्य सिंह जी उनको खड़ा किया गया है और उनका चुनाव निशान हाथ है। आपने इस दफा जो पिछली दफा भी आपने वोट दिया आपने ये वोट विक्रमादित्य सिंह जी को दिलवाना है उसके लिए आपने एफर्ट्स करने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी साड़ी पहली कोशिश रहेगी। मैं उसका कदापि डिस्कस करते हैं कि कठुए की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए चाहे दूसरे भी मिले ताकि कठुए का जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है उसका कोई पूछने पछाने वाला जो है कोई टोन टिकाना जो है। इसलिए मैं आज थोड़े कने वादा कर कि मैं थोड़ा वकील बनागा क्यादत दे अगे कि कठुआ की नुमाइंदगी जरूर तक इस चुनाव का सवाल है। अजीब किस्म का चुनाव कोई कैंडिडेट यहां नहीं वोट दे जेडे भाजपा के कैंडिडेट है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तो माननीय जुगल किशोर जी जम्मू तो वह यह नहीं आते कि की वोट दो कोई आ मोदी सरकार लियानी है तो इसलिए वोट दो अपना नाम नहीं लेंगे क्योंकि अपना नाम लेने के लिए अपना करतूत दसनी पाऊंगा। जे जमीनी सतह पर किस जीते क्योंकि मैं पता है माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की भी माननीय जुगल किशोर और भी पता है कि इनका सौदा अपने ब्रांड का बिकता नहीं है। जे वह थैला भी नहीं अपने ब्रांड का चाहते तो कुछ थैला भी बिकना हो किसी हटाओ जम्मू ने नारा चलाया भाजपा ने नारा चलाया जुगल है मजबूरी मोदी है जरूरी ये नारा बीजेपी ने चलाया इतने नारा चलाया डॉक्टर है मजबूरी मोदी है जरूरी ये नारा कोने चलाया बीजेपी ने आपको चलाया तो बीजेपी आने की तसल्ली नहीं है कि साढ़े दस का रोल नहीं है ये मोदी का नाम लगे कानून लड़ने चाहिए दोनों महाराज बुढ़े बुढ़े कुड़िया बचैरिया इं झुंड चुकी चुकी कानून दसन ताकि पूरा पंद्रह लाख आई बैंक अकाउंट खोली बैंक अकाउंट इन्होंने कहा 500 रुपए जमा कराओ 500 रुपए जमा जिसने 500 रुपए जमा आया साल बाद गए
ਐਨੀ ਕਿਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਵਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੇ 250 ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਥਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 500 ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 250 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਲੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਡੇਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋ ₹15 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਊਂਡ ਬੰਦ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਿਆ ਫਿ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲੋ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋ 10 ਕਰੋੜ ਗਿਰਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫੁਲਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਕਲ ਸੁਧਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸ ਕਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਮੋਈ ਮਾਰੋ ਤੇ ਘਰ ਬੜੀਏ ਮਾਰੀ 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 ਕੁੱਟ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮਾਰੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰੀਏ ਕੱਢੀ 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 ਤੋਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਲਕੇ ਚਾਰ ਚਲਾਈ ਉੜੋ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਉੜੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਹੋਣੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੌਜ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਮੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫੌਜ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਮੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿਖੇਗਾ ਉਸੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਦੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਯੁਵਰਾਜ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਯ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਦਾ ਖੜੋਏਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। 35A ਆਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 35A ਮੁਕਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, 35A ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਸੇ ਸ਼ੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ,
कोई है कोई शक? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर का हिस्सा, और भारत अब भी भारत। यह थोड़ा गल जो बीजेपी है भारतीय, जरा बीजेपी नहीं तो देश जुड़े वो थोड़ा चलता, देश सारे का। 38 स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो महाराजा हरि सिंह बादल ने 1927 दिता। मैं अब कठुए खबर आई, मैं कठुए साथियों आखी देना चाहना कि अगर 38 गया स्टेट सब्जेक्ट लॉ टूटिया, सारा भारत कहते जो इलाक है वह कायम है भारत का हिस्सा, वह दफा 370 आईन के तहत धारा 370 के तहत गवर्न होता है। 38 कोई ऐसी चीज नहीं जी ऊट पटांग चीज है। हिमाचल भी डोमिसाइल है, महाराष्ट्र भी डोमिसाइल है, अरुणाचल भी डोमिसाइल है, जगह जगह डोमिसाइल है। यह सारा हक है, एक कवच है। अगर निकली जाता तो सब तो ज्यादा नुकसान जोड़ा है वो असें ही होगा, जम्मू के लोग ही होगा, और खास तौर पर कठुए मेरी गल याद रखियो। आखिर वेले तक इस गल की आवाज नैशनल कॉन्फ्रेंस चुकती रहेगी, ताकि लोग, क्योंकि सियासत एक इलेक्शन नहीं है, सियासत एक साल नहीं है, सियासत 5 साल नहीं है, सियासत का लंबा होता। और यह चीज जी है जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का सवाल है, और अगर इस कहीं छेड़खानी होती है तो तुम समझो कि तुहाड़ा तो साड़ा मुस्तकबिल खराब। नहीं सकते हम तो कहते हैं कि आज ही ऐलान होना चाहिए असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल का, और फौरी तौर पे असेंबली इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपने चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं उनको आगे भेज सकें, और वो लोग जो हैं आगे जाकर लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करें। और ये खिलवाड़ जैसे कोई कर रहे हैं 35A का या और बाकी चीज़ें, ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो जिससे कि भारत और जम्मू कश्मीर कमज़ोर हो, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोग कमज़ोर होते हैं तो भारत कमज़ोर होता है, क्योंकि हम भारत का एक हिस्सा हैं, हम भारतीय हैं, और हमें भारत के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये 35A का एक प्रोटेक्शन मिला है जो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में दिया था। उस महाराज साहब के कब्ज को, जिसकी अकासी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत का संविधान कहते हैं, है वो हमें कब्ज बरकरार रहना चाहिए, यही हमारी मांग है, और इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। पिछले दिनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और जो एनसी है वो अंतिम को छह दे दिया, क्या कहेंगे सर इस पे? मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बयान पे बयानबाजी अक्सर नहीं करता, लेकिन मैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 5 साल में जितने बिगड़े हैं उसकी जिम्मेवारी हम पे नहीं है, उसकी जिम्मेवारी उन लोगों पे है जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली में सरकार कर रहे थे। दिल्ली में भाजपा की सरकार थी और यहाँ पे भाजपा और पीडीपी की सरकार थी। आज वो पीडीपी को भी गालियाँ निकालते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गालियाँ निकालते हैं, कांग्रेस को भी निकालते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 बरस में आपने क्या किया जिससे कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरें? जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो पिछले 5 साल में बद से बदतर हुए। 2014 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए, 2014 में आपके असेंबली इंतखाबात हुए जिनमें लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, उससे पहले पंचायती इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, भरपूर हिस्सा लिया उमर अब्दुल्ला की सरकार में, और अब जब बारी आई है आपकी, आप तो पार्लिमानी इंतखाबात नहीं करवा सके अनंतनाग में, आप असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, आपने जो पंचायत इलेक्शन जिसको आप बहुत कामयाब कहते हैं उसमें आप कश्मीर के लोगों को हिस्सा नहीं लिया, लोगों ने बहिष्कार किया। जो पार्लिमानी बाई इलेक्शन हुई श्रीनगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के आपके दौर में, उसमें क्या हालात हुए? लोग रोज मर रहे हैं, हमारे जवान फौज के शहीद हो रहे हैं, कोई तो जवाब दे। सिर्फ नारे और जुमलों से काम नहीं चलेगा, हकीकत यह है कि हालात जम्मू कश्मीर के बद से बदतर हुए हैं। लोग आए देखें और हालात का जायजा लें। सर दोनों ही सांसद मोदी जी के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग अपने जो मुद्दे थे जो उन मुद्दों के ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं? जो सरदार साहब लोग जानते हैं, जनता सब जानती है, दोनों ही प्रत्याशी जो हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय जुगल किशोर जी, वो ये जानते हैं
कि अगर वो अपने नाम पे वोट मांगेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, शायद जमानतें भी जब्त हो जाएंगी, इसलिए वो सहारा ले रहे हैं मोदी साहब का। लेकिन आवाम को फैसला करना है कि मोदी साहब उनके सांसद नहीं बन रहे, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त सांसद बनेंगे अगर वो वोट देते हैं भाजपा को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी, और अगर वो दोनों सांसद बनते हैं तो पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया और जुगल जी ने पिछले 17 साल में क्या किया वो सबके सामने है, उसी पर फैसला करिए। क्योंकि कल जब कोई वो बात आएगी तो आप कैसे जाएंगे किसी के पास, जब आप ये कर लेंगे कि भैया काम करो या ना करो, कोई ना कोई नारा दो हम वोट दे देंगे, तो फिर काम ही कोई नहीं आपके लिए करेगा। फिर मैं समझता हूँ लोगों का फैसला जो है वही जमहूरियत में मजबूत होता है। मुझे पूरा यकीन है लोग उनकी परफॉर्मेंस दोनों की देख के जम्मू कश्मीर के अगले इस चुनाव का फैसला करेंगे। अभी आपने कहा कि जो असेंबली चुनाव है वो अलग लड़ेगी एनसी और कांग्रेस। जी बिल्कुल, हमारा कोई कोलिशन नहीं है कांग्रेस के साथ, एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल सीट अरेंजमेंट है। और हम इस बारे में बिल्कुल वाजे कर देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे असेंबली इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन लड़ के जीत कर अब बिना बैसाखियों के एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर को देगी, जो सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ इंसाफ करेगी। उमर साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो पीएसए हटेगा रियासत से। मैंने नहीं सुना कौन सा बयान है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं, जो भी फैसला जात सिक्योरिटी के मामले में होते हैं वो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को देख के लिए जाएंगे, जो जैसे हालात होंगे उनके मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। पहले भी 1996 से 2002 में ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे, फिर 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो फैसले लिए जिससे हालात सुधरे और सुधरे, आगे भी जब सरकार बनेगी वो सब इकदाम लिए जाएंगे जिससे कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो, जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, खुशहाली और अमन। अलायंस के साथ क्या लगता है कितनी सीटें स्टेट में जीत पाएगी? 6 में से 6।